गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, बिल्कुल उसी पर आधारित ये एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बताया गया था ये ऊपर में जो एक प्रमेय है, इस प्रमेय का उपयोग कैसे किया जाता है इस सवाल को बनाने के प्रक्रम में, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें विरोधाभास की स्थिति को क्रिएट करके स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, माना कि √3 उल्टा मान लेते हैं, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए माना √3 जब हम परिमेय संख्या को मानते हैं तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, ये जानते ही हैं। और ब्रैकेट में लिख देना है कि q को 0 नहीं होना होता है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? सहअभाज्य का मतलब किसका? P और Q का जो संख्या निकलेगा उसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है? ये तो बात हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों ओर वर्क कर लेते हैं, बराबर के इधर बराबर के उधर कोई भी काम किया जा सकता है, तो वर्क कर लेते हैं पहले। दोनों ओर वर्ग करने पर कर लेते हैं। √3 का भी स्क्वायर कर लिए इधर है, और इधर क्या है, p/q है, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अगर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आसान होने लगता है। तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या रूट के अंदर वाला ही उतर जाता है, यानी 3 आ गया। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 q² बराबर p². अब देखिए, ये जो 3 है बराबर के उधर जाएगा तो भाग देगा, यानी क्या हो गया, 3 p² को विभाजित करता है। क्या करता है, 3 p² को विभाजित करता है। यहाँ पर एक मान लेते हैं समीकरण, फिर बड़े थ्री क्या किया, p² को विभाजित करता है, तो 3 जो है 3 p को भी विभाजित करेगा, क्योंकि प्रमेय बताया गया ना कि m जो है p² m मैंने बाह्य संख्या मान लिया है, p² को विभाजित करता है, तो m जो है p को भी विभाजित करेगी, तो क्या होगा, 3p को भी विभाजित करता है। यहाँ तक स्पष्ट है, 3 को भी विभाजित करता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं 2,
यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब क्या करते हैं, स्पेस बना लेते हैं, इधर साइड में लिखेंगे। अब एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पे। अब माना पी, माना कि माना पी बराबर अब किसमें देखना है, थ्री रूट थ्री है तो यहाँ पर ले लेंगे थ्री आर। अगर फाइव रूट फाइव रहता तो यहाँ लेते फाइव आर, ये ध्यान रखना। अब माना पी बराबर थ्री आर और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ आर एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यहाँ तक स्पष्ट है? अब जो काम यहाँ पर किए हैं दोनों ओर वर्क करने पर यहाँ भी करना है, लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ के बाद आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है। क्या है, कितना देखिए, P है इधर तो P का भी स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर 3R है तो 3R का भी स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए P स्क्वायर बराबर 3 × 3 = 9, 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है कि जो कि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर माने पी स्क्वायर बराबर क्या है, 3Q² लिख सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर बराबर 3Q² समीकरण एक में है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3Q² बराबर 9R². अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से कर लेते हैं स्पेस की वजह से। अब देखिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 9 है तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 तो कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, Q² बराबर 3 × 3 = 9 तो 3R². यहाँ तक स्पष्ट? अब फिर देखते हैं कि ये जो है 3 Q² को भाग लगाता है, ये इधर है बराबर के उधर रहेगा, गुना करेगा तो इधर आके भाग करेगा, जो कि प्रमेय भी यही बात है, प्रमेय से भी यही इसी की जानकारी मिलती है। तो क्या लिखेंगे, 3 क्या करता है, Q² को क्या करता है, विभाजित करता है। बिल्कुल आसान है। तो Q² को विभाजित करेगा तो क्या करेगा, MP को भी विभाजित करेगा, माने Q को भी विभाजित करेगा ना। क्या लिखेंगे, 3, Q को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ तक स्पष्ट है? इसको हम 3 मान लेते हैं, इस बात को हम 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि क्या किए कि P और Q सहवास संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या होगा तो P और Q जो हो सहवास संख्या होगा और सहवास संख्या का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 2 को निकाले तो P 3P को विभाजित करता है, फिर 3Q को भी विभाजित करता है, यानी मेरा HCF 1 नहीं आ करके यहाँ पर 3 आ रहा है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि ये सहवास संख्या है। हम क्या किए कि सहवास संख्या आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सहवास नहीं आ करके नहीं आता, तो हम माने हैं जो ऊपर में कि एक परिमेय संख्या है वो बात गलत साबित होता है। तो इसी बात को हम मिला के लिख देंगे कि समीकरण, लेकिन अब समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि
थ्री पी आर क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? समीकरण दो और तीन से स्पष्ट होता है कि थ्री पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता जो हमारी मान्यता के विपरीत जो हमारी मान्यता के विपरीत है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि पी आर क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि हम माने हैं कि आप पी और क्यू सहभाज्य संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के लेके चले, उल्टा लेके चले, लेकिन हमारा उभयनिष्ठ गुणनफल क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया क्या मेरा, थ्री। तो उभयनिष्ठ तो इसका एचसीएफ तो आ जाएगा, वन नहीं आएगा, जो इसीलिए लिख दिया जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, अतः लिख देंगे अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।